खोलो, बिस्तर छोड़ो, धोलो, पसीपाई, उठो बेटा, आंखें खोलो। प्रोग्राम शुरू हो गया? जी। बताया क्यों नहीं? बता तो रहे थे आपको। ओहो, अच्छा हुआ बता दिया भाई। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं उन सबको, अम्मी अब्बू के साथ, खाला पुप्पी नाना नानी जिनके साथ भी देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से, और इसको भी जो हमारे सामने आके खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश, खुदा हाफिज। सेगमेंट खत्म। चलें एक सेल्फी लेते हैं। सेगमेंट बस, सेगमेंट खत्म, बस आज नहीं कर रहे सेगमेंट, थक गए। फिर से क्या भाई, क्या हो गया? सेगमेंट शुरू होते इनकी आवाज निकालें, उनकी, ऊंट की आवाज। ऊंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैमल। हाँ, कैमल की कोई स्टोरी पता है? हाँ जी बोलते हैं। अरे हाँ, अब वो कहते माइक आगे कर दी। नहीं, कैमल की कोई पोएम? नहीं। कैमल से कोई दोस्ती? नहीं। कैमल से आपको डर लगता है? जी। ओह नहीं लगता? अच्छा, अभी कैमल ऐसा करें, कल से शानदार रमजान के सेट में हम फाइव, हाँ क्या माइक में बोले ना, कैमल की आवाज निकाले। कैमल की आवाज मैं क्यों निकालूं? जो कैमल है वो अपनी आवाज निकालेगा, मैं क्यों कैमल की आवाज? कैमल की आवाज निकाले। हम नहीं निकाल रहे भाई कैमल के, हमें अभी जरा सोचना पड़ेगा। कैमल की आवाज निकाले। अरे सबर 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 सबर, अभी बता दे, अभी कर दे, अभी निकाल। रैबिट आ गया, रैबिट। ये हरीम जो है वो एक पोएम सुनाएंगी। उमर साहब जरा पोएम सुने, फिर जरा हम देखते हैं कि आगे क्या है। कैमल की आवाज पहले निकालूं या पहले आपकी पोएम सुनूं? मेरी पहले पोएम सुनो। कैमल की आवाज निकालूं या पोएम सुनूं? निकाल लेते हैं, निकाल लेते, ताकि फिर आराम से पोएम सुने, वरना तंग करते रहेंगे। आवाज हम ऐसे निकालते हैं ऐसे, पहले पहले आप निकाले, पहले आप निकाले, पहले आप निकाले कैमल की आवाज निकाले। थ्री टू वन, निकाले निकाले, नहीं आती। एक मिनट, अब हम निकालेंगे, सब मिलके बोले थ्री टू वन। ऐसी आवाज है भाई, हमारी तरफ तो ऐसी ही कैमल है भाई। कैमिल की आवाज ऐसी होती है ना? हाँ, माइक जरा कैच कीजिएगा, वो कर जरा उनके परी भाई। ये कैमिल की आवाज होती है भाई, कैमिल की आवाज। डोंकी की आवाज तो एक और होती है, वो तो अलग से होती है, वो भी हमारे पास है नहीं, हम निकाल नहीं सकते। भाई मुझे नहीं आती आवाज। वसीम भाई की आवाज निकाले। वसीम भाई, ये वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये है वसीम भाई की आवाज। पोएम सुनाए भाई, पोएम। उमर की बातें कब से गोल गोल हो गई? वसीम भाई की आंखें कब से गोल गोल हो गई? और मेरे चश्मे गोल है, उमर मैं भी गोल हूँ, सब गोल है। सब कुछ ही गोल हो गया भाई। गोल 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 आंखें गोल तो हो सकती हैं वैसे, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक। अच्छा, तालियां बजा दे भाई अरीम के लिए। वेरी गुड, जबरदस्त। ओहो, तो क्या अभी इन्होंने कहा है ऊंट की आवाज, तो क्या आप लोगों को पता है कि ऊंट जो है, हम अल्लाह अल्लाह ताला की मखलूक है ना सब, आपको पता है ऊंट जो है वो कितने दिनों तक पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकता है? ऊंट ना एक दफ़ा पानी पीता है फिर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कर लेता है, कर लेता है, कर लेता है। हाँ, ये बताएंगे अबू बकर साहब, बताएं जरा। ये तकरीबन 40 से 50 डेज। ओके, आप बताएं डॉक्टर साहब। 45 डेज। ओके भाई, कम अज कम भी 10 to 14 डेज तो आराम से, तो यानी ये बड़ी बात है ना अल्लाह ताला की, कैसी कैसी मखलूक है कि एक वक्त में पानी पी लिया और उसके बाद जो है वो इतने दिनों तक को पानी नहीं पीता। आप लोग को एक वाकया पता है ऊँटनी का? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का एक वाकया पता है?
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें, ये होमवर्क है सारे बच्चों का, ऊँटनी का एक वाकया है रसूल अल्लाह की सवारी का, रसूल अल्लाह की ऊँटनी का। अब आप घर जाएंगे ना, आप सबने अपने अम्मी अब्बू या जो भी आपके बड़े हैं उनसे पूछना है कि वसीम भाई ने कहा था कि ऊँटनी का वाकया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का वाकया, वो वाकया क्या है, वो आप लोगों को कल मुझे आंखें फिर बतानी है स्टोरी, सच्ची स्टोरी है बिल्कुल, पक्का हो गया, डन हो गया। चलो भाई दोहरा देंगे, मैं आपको मैं अभी तो मैं बताऊंगा तो पता लग जाएगा, जाके अपनी अम्मी से पूछे अब्बू से जितने, एक बार दोहरा तो दे देना। मैं एक हिंट देता हूँ, हिंट सिर्फ एक हिंट, वो हिंट है हजरत अबू अय्यूब अंसारी, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता, ये हिंट है। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है ये आप सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिर कल मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद करके आया, ठीक हो गया, डन हो गया, तालियां बजा दे भाई जबरदस्त किस्म की। हाँ, मोर ने पर खोल, लेकिन मोर की साथ हमारी तस्वीर आ चुकी है। चलो भाई बस भाई, हम बात करना शुरू किए और मोर ने पर कर लिए अंदर। ओहो हो, तो डाक साहब जी क्या है, कोई प्लान व्लान है कोई, फिर जरा मैं कुछ नए दोस्तों से बात करूं, लेकिन उससे है चल, यानी पूरे वसीम दामी नीचे बैठ गए उसका मसला नहीं है, माइक नीचे रख दिया वो मसला है। अगर माइक नीचे रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, और अगर मैं नीचे बैठूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो चलो बस भाई, मैं नीचे बैठ जाऊं माइक ना बैठे नीचे, देखा फिर से उठाओ, ओ तंग आ गए हम तो भाई, तो आप रख ले, क्या है कोई कोई स्टोरी स्टोरी कोई है क्या, पोएम शोएम है, बहुत दिनों से आपसे पोएम नहीं सुना, पोएम है वो क्या, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर सुनाए सुनाए सुनाए, आप सबने मेरे साथ पढ़ना है, हम सब ने आपके साथ पढ़ना है, चिड़ियाघर चिड़ियाघर चिड़ियाघर, आपने कहा ना चिड़ियाघर साथ पढ़ना है सबने, पोएम साथ पढ़नी है, पोएम साथ पढ़नी है, ओके अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, सुनाए सुनाए, हमने देखा, आपने कहा ना साथ पढ़नी है, इन्होंने साथ हमने देखा, हमने देखा चिड़िया का बिल्ली का और बंदर। अच्छा अदी भाई मैं आपसे बाद में सुन लूंगा, पहले मैं पढ़ लूं फिर पहले आप, चलो ठीक है मैं सो जाता हूँ तब तक, रेस्ट कर लूं मैं, ठीक है सुनाया सुनाया, हमने देखा चिड़ियाघर बिल्ली भालू और बंदर, बंदर ढाली लाता था आता था फिर जाता था, की करता था चढ़ता था उतरता था, भालू हुक्का पीता था गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता था, हो गई पोएम, हो गई असीम भाई पोएम, हो गई असीम भाई पोएम, हो गई पोएम, हो गई आ गई पोएम खत्म, वो देखे वो सोते हुए टीवी आ गए, ओहो पोएम जंगल, इतने सारे एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं इस जंगल में जरा ये तो बताएं मुझे, कौन कौन से एनिमल्स, जिराफा तोता जिराफा वाह वाह ऊंट है इसमें कि नहीं है, ऊंट का है, ऊंट भालू के पीछे, ऊंट की स्टोरी सुनेंगे जी, ऊंट की स्टोरी, एक ऊंट था, ऊंट बहुत ऊंचा होता है ना, बहुत लंबा होता है, इतना लंबा तबड़ा है ना, तबड़ा, एक दफा क्या हुआ ऐसे ये ऊंट खड़ा हुआ था, ये देखें खड़ा हुआ ना कैमल कैमल, ये वैसे क्या है, ये कैमल है कुछ और है, कैमल पक्की बात है, जरा आधी तस्वीर क्लियर करें फिर हमें पता चले, अरे ये तो वाकई में कैमल है, ओके ऑलराइट, एक कैमल था लंबा था बहुत, सब ना उसका मजाक उड़ाते थे, हाँ हाँ इतना लंबा है इतना अजीब सा है इतना लंबा है इतना लंबा है, कैमल बहुत सैड होता था कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात, बुरी बात है। अब ना हम, अगर आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ स्कूल में पढ़ता है उसका कद बहुत छोटा है तो क्या हमको उसका मजाक उड़ाना चाहिए, हाँ हाँ छोटा ऐसा मजाक उड़ाना चाहिए, ऐसा मजाक उड़ाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा या नाराज होगा, नाराज, तो मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए ना किसी का। अब भाई एक दफा ये हुआ कि उस कैमल का ना सब मजाक उड़ा रहे, ओ लंबा है लंबा है,
अब वो कैमल सबको कहता था कि देखिए मैं भी अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मेरा मजाक नहीं उड़ाओ, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे, छोटे मोटे जितने जानवर ना मजाक उड़ाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन सब बैठे, बारिश शुरू हो गई। अरे मेरा फोन, रैबिट 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 से अपना फोन, रैबिट से फोन लेने की कोशिश, कैसा। अब ये हुआ कि एक दिन आ गई बारिश, तेज बारिश, बारिश की आवाज, जोरदार बारिश हो गई। अब जो है वो वहां पर आ गया सैलाब, अगर पिक्चर दिखा सके दिखाइएगा। अब जब सैलाब आया ना, हर जगह पानी भर गया, पानी इतना इतना सारा पानी भर गया। अब जब यानी बहुत सारी बारिश हो गई ना, पानी आ गया बहुत सारा। अब क्या हुआ भाई, सैलाब अगर दिखा सकते दिखाइएगा। अब ये हुआ कि जितने भी जानवर थे ना जो ऊंट का मजाक उड़ाते थे, वो सब तो डूबना शुरू हो गए पानी के अंदर। बिल्ली पानी में डूब रही है, सब पानी में डूब रहे हैं। अब तो सब घबरा गए, सब पानी में डूब रहे थे। अब क्वेश्चन, ये सब तो पानी में डूब रहे थे, कैमल पानी में डूबा कि नहीं डूबा? नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि वो लंबा था। वो तो बहुत लंबा था। अब कैमल है इतना लंबा, अब कैट है इतनी सी, अब कैट तो पानी में डूब गई। ये बारिश, बारिश, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और कैट डूब रही है, सारे जानवर डूब रहे हैं, बारिश की आवाज आ रही है, और कैमल ऐसे खड़ा है। अब कैट ने कैमल से कहा, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अपने ऊपर बिठा लो, वरना मैं तो डूब जाऊंगी। तो कैमल ने कहा कि आप तो मेरा मजाक उड़ाती थी, आप तो कहती थी कि मैं बहुत लंबा हूं, अगर मैं लंबा नहीं होता तो मैं भी आज आपकी तरह डूब जाता। फिर कैमल ने ये किया, ये देखिए देखिए देखिए, तो पिक्चर देखिए, सारे जानवर डूब गए, कैमल नहीं डूबा, कैमल ऊपर खड़ा रहा। अब फिर कैमल ने क्या किया, ये देखो सारे जानवर डूब रहे। अब कैमल ने बिल्ली को अपने ऊपर बिठा लिया, सारे जानवरों को अपने ऊपर बिठाया, चलना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, और सबको पानी से निकाल दिया कैमल ने, ऐसे करके सबको बचा लिया। तो पहले तो कैमल के लिए तालियां बजा दे, कैमल ने इतना अच्छा काम किया। हाँ, बारिश खत्म हो गई है ना भाई। अब बताएं कि इस कहानी से सबक क्या मिलता है, ये किसी को समझ में आई बात क्या? नहीं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, वेरी गुड, मजाक नहीं उड़ाना, वेरी गुड, ओके, नमाज नहीं उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, वेरी गुड ईशाबाजी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या छोटा, हम लोग बड़े हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सारे बच्चे लेसन याद कर ले, अल्लाह ताला की हर मखलूक इम्पोर्टेंट है, कभी भी किसी का हमको मजाक नहीं। और अगर कभी हम देखें ना कि कोई और बच्चा है वो किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी को बोल रहा है छोटू, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को अंधा कह रहा है, पता नहीं, तो हमें उस किसी को काला कह रहा है, तो हमें उसको मना करना चाहिए। डांट के मना नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमें उसको कहना है कि ये करना अच्छी बात नहीं है, और हमें भी कभी नहीं करना, ठीक है? वेरी गुड भाई, तालियां बजाते हैं, जबरदस्त, वाह वाह। बारिश हुई है, बारिश, रेन, रेन पे मुझे पोएम कौन सुना सकता है? रेन, रेन, ओके, रेन पे पोएम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम आपका? अब्बास। क्या नाम मेरा? वसीम। ओके ओके, तो रेन पे पोएम, उमर साहब रेन पे पोएम सुने इनसे? सुन, आपको भी आती है ना रेन पे पोएम? नहीं आती? कल तो सुनाई थी, दो दिन पहले सुना। अरे सुना, अच्छा इनकी सुन लो भाई, सुनाओ सुनाओ। रेन रेन गो अवे, कमा गाना ना डरे, लिटिल चीका वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। वाह 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 वाह, वेरी गुड भाई। क्या वो वीडियो दिखा सकते हैं? अगर वो तो दिखाइएगा, पॉसिबल हो तो, जो हमने शान इल्म में दिखाया अभी कि खाना काबा में बारिश हो रही थी, पता है आपको? इतना अच्छा लग रहा था मस्जिद नबवी में और खाना काबा में बारिश हो रही थी। अभी कोशिश करते हैं दिखाने की, अगर दिखाते हैं जब रेडी हो जाए बताइएगा मुझे। हाँ जी हाँ जी, डूब जाते हैं, पानी बहुत भर जाता है। ओहो, कितना पानी भर जाता है, कहाँ तक? ऊपर तक आया था। हाँ। ये देखें। अरे ये वीडियो देखें, खाना है काबा में बारिश हुई उसकी वीडियो देखें, और सब कह दें सुभान अल्लाह। अच्छी वीडियो है ना, अच्छी है ना। और एक और वीडियो दिखाऊं आपको,
अगर मस्जिद नबवी की दिखा सकें तो वह भी दिखाइएगा, जहाँ पे रोज़ा है ना रसूल अल्लाह। ये देखें, ये वीडियो प्ले करें, ये देखें यहाँ पर भी बारिश हो रही है, ये मस्जिद नबवी में बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा है ना, वाह 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 भाई, सब कह दें इस दफा सुभान अल्लाह, कह दें सब। ये मस्जिद नबवी की हमने वीडियो दिखाई है इतनी अच्छी, तो क्या कोई बच्चा या बच्ची मुझे नात सुना सकता है? कोई कौन सी नात, कौन सी? मैं तो उम्मती हूँ तो याद भी है ना हम सबको, एक दो शेर सुनते हैं मैं तो उम्मती हूँ की, क्या ख्याल है? सुने भाई, सुना। अब नजरे करम मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। इसका एक शेर याद है आपको भी, गम गम के अंधेरों को, याद है किसी को? पढ़े डॉक्टर साहब, हाँ याद है, ओके भले मिलके पढ़ते। गम के अंधेरों ने यूं देरा हुआ, वेरी गुड है आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ, वेरी गुड, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है मेरा। भाई वेरी गुड, सारे बच्चे जो घर पे बैठे हुए तो उन्होंने भी हमारे साथ पढ़ी, सबके लिए तालियां बजाते हैं भाई, वाह वाह वाह। इस नात में एक जुमला आया, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। कुछ नबियों के नाम तो बताएं मुझे, किसी नबी का नाम याद है आपको? अभी मैं आपको हिंट दूंगा, आपको याद आएगा, बहुत सारे अंबिया भेजे हैं अल्लाह ताला ने, कुछ अंबिया के नाम तो बता दें मुझे, मैं हिंट दूं आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वेरी गुड, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बताएं डॉक्टर साहब आप बताएं कुछ के नाम, आप बताएं, हजरत वेरी गुड, हाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे, और सबसे आखिरी नबी अल्लाह ताला ने कौन से भेजे, उनका क्या नाम है? वेरी गुड भैया, बच्चों को तो सब पता है, जबरदस्त तालियां बजा दें भाई बच्चों के लिए। एक बात बताओ, क्या बात बताएं, बताएं बताएं, पुरानी वीडियो है, उम्र की पुरानी वीडियो है हमारे पास भाई, जरा बताना मुझे अगर हो तो भाई, बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, भाई आज कितने बच्चे हैं जरा गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी क्या हो गया? आप नहीं है बच्चे, मैं 1 2 3 4 5 7 8 9, मैं भी तो बच्चा हूं, नहीं मैं बड़ा, आप बड़े, आप 5 इयर्स के, आप बड़े, कितने बड़े हैं, थोड़े से या बहुत बड़े? 26 भाई, ये इतने सारे बच्चे हैं, तो कोई पोयम, कोई बच्चों पे पोयम सुनाएगा मुझे? पांच बच्चे पता नहीं क्या है, ईशावा जी इधर है, इधर है ईशावा जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूं, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं आपको पोयम सुनाऊं? नहीं, आपको पता है जो आपका दोस्त है ना, हमारा दोस्त नहीं है, आपको कुछ नहीं कहता, हमें सिर्फ काटता है। कौन? आपका दोस्त, ये व्हाइट वाला तोता, किसको काटा है इसने? हम सबको काटता है और आपका तो कुछ नहीं कहता। अच्छा, आपका दोस्त है। मैं अभी जरा डांटू इसको जाके, एक मिनट जरा, ये इसकी ये हिम्मत क्यों, आपने जो है वो मेरे अभी आराम कर रहा है, अभी सो रहा है। अच्छा उठ गए, सलामुअलैकुम, खैरियत से जी? ये आपने, वो कह रहे नहीं मैंने नहीं किया, नहीं आपने इनको तंग किया, आपने इनको काटा है? अगर आज के बाद आपकी कोई कंप्लेन आई मुझे तो मैं बहुत गुस्सा करूँगा आपको, ठीक है? आज के बाद तो नहीं डांटेंगे हम इनको, मैं आपको प्यार है, नहीं डांटेंगे, नहीं नहीं, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह देखिए कितना अच्छा बच्चा है, वेरी गुड, अब नहीं डांटेगा, अब नहीं डांटेगा, तालियां बजा दे मेरे दोस्त के लिए भाई, अब नहीं डांटेगा, हाँ भाई अब बताएं, हमें अल्लाह
से डरना चाहिए ना। ईशा बाजी की एक बात का पिछली बात से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, अलग अलग बात है। हाँ जी जी बिल्कुल, अल्लाह से डरना चाहिए। आपको पता है अल्लाह तो पूरी दुनिया में देखता है ना। सही बात, हमें तो कहीं से देख सकता है। सही बात, ईशा बाजी कुछ भी कह सकती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी बनाए, बेशक बहुत सारे नबी बनाए। ये पोएम सुनानी थी आपने, कोई पांच बच्चों वाली, पांच बच्चों से लेके आप तोते पे चलेंगे। तोते से नाइन बच्चे बच्चों। हाँ पोएम पोएम सुनाए। पांच बच्चे चले सोने, एक बच्चा लगा रोने, जरा किसको जरा किसको, एक दया तारारम, बाकी रह जाए अब तारारम बम बम, तारारम बम बम। क्या वाह वाह वाह, तालियां बजा दे। वेरी गुड भाई। वो फेरा आप ही आई हुई, जरा हाथ धुलवाएं डेटॉल से उनके। डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आपको जो है वो खाना खाने से पहले और हर चीज़ से पहले अपने हाथ धोना ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं? वो किसके तारारम किधर गया? तारारम किधर गया? तारादम येरा, तारारम तारादम येरा भाई, ताज़ादम भाई। ये ऐसी है भाई, हमारे बच्चे ऐसे ही हैं भाई। इस गर्मी को करे दूर डेटॉल कूल के साथ, हर पल फ्रेशनेस का सोल्यूशन है डेटॉल कूल। मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे सेल्फी लेनी है, वेयर इज माई फोन? आप ये मेरा फ़ोन लेके किधर जा रहे थे? डेटॉल के पास। अच्छा मैंने रखा था, अच्छा अच्छा फिर ठीक है ठीक है। आ जाए आ जाए, तस्वीर बनाए सारे बच्चे। उतरो भाई नीचे उतरो, मैं जा रहा हूँ ऊपर। आ जाओ इधर आ जाओ। पोएम हो गई, पोएम हो गई। पाँच बच्चे, पाँच बच्चे बताए। आ जाओ पाँच बच्चे आ जाओ। हाँ भाई सारे बच्चे सेल्फी ले। चलो भाई सेल्फी लेते हैं, एक और सेल्फी ले। वसीम भाई चलो वसीम भाई, हमारी पिक्चर ले जी, हमारी पिक्चर ले। सेल्फी तो ले रहा हूँ, अपनी सेल्फी तो ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं एक और सेल्फी ले लूँ? आप उधर से आ जाते हैं ना, आप उधर जा जाए। आप लोग पता नहीं आए नहीं ना सेल्फी में, क्यों नहीं आ रहे? वसीम भाई आपने फोन ऐसे रखा है, उधर रखिए थोड़ा सा उधर। मैं कल सीख जाऊंगा, समझ में नहीं आ रही। आज अपनी सेल्फी ले लो। से चीज आए नहीं रहा भाई, मिलते हैं हमें छोटे से ब्रेक, ब्रेक में जाना, ब्रेक में जाना भाई। सेल्फी